हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पल्लवी ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गोलगप्पा / पानी पूरी / फुचका का रेसिपी। बहुत ही जल्दी कम इंग्रेडिएंट के साथ ये घर पे बन जाता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग डो को बना लेंगे। डो को बनाने के लिए आपको लेना है 1/2 कप ऑफ सेमोलिना यानी कि रावा, जिसको हम सूजी भी बोलते हैं। एंड इसके साथ आपको लेना है 1/4 कप ऑफ मैदा। अगर आपके घर पर मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल कप के हिसाब से भी इसे मेजर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेजरमेंट मैंने डाल दिया है। पानी पूरी के डो को बनाने के टाइम आपको थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना है। सॉल्ट को आप स्वाद अनुसार डालिए। इस डो को मैं प्रिपेयर कर लूंगी विथ लूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी के साथ। और ये जो डो प्रिपेयर आपको करना है ये थोड़ा सा स्टिफ होगा, ज्यादा नरम इसे बिल्कुल भी मत बनाइए, तभी फुचका जो है वो अच्छे से पॉप होगा फ्राई करते वक्त। पानी पूरी का जो फुल प्रोसेस है बनाने का, इसको आपको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना है और मैं इस वीडियो में आपको पार्ट वाइज दिखाऊंगी, तो आपको इसके बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए अभी ये बनके तैयार है। इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी नियर अबाउट 15 मिनट्स तक। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रिपेयर करेंगे पानी को। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इमली ले लिया था, रॉ इमली, और इसमें मैंने ऐड किया था पानी और इसे फ्रिज में मैंने रख दिया था ओवरनाइट। और अभी देखिए ये बनके बिल्कुल तैयार है। पानी पूरी के पानी में ये इमली का जो वाटर है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप कोशिश कीजिए इंक्लूड करने के लिए। और इसके बाद मैं 1 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर ले लूंगी और इसे एक ब्लेंडर जार में डाल के इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ आमचूर पाउडर और इसे आपको ब्लेंड करना है। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि हम लोगों को बिल्कुल जरूरत होगी वो है नींबू। यहाँ पर कोलकाता में हम लोग इसे गोंधोरा जलेबू बोलते हैं। आप कोई भी नींबू ले लीजिए। गोंधोरा जलेबू जो होता है वो उसका जो एक फ्रेग्रेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट होता है। मेरे घर पे ये अवेलेबल था इसीलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अभी मैं एक बिग बोल में एड करूंगी कोरिएंडर पेस्ट को। अगर आपके घर पर धनिया अवेलेबल नहीं है यू कैन स्किप दिस स्टेप और आप आमचूर पाउडर को डायरेक्ट वाटर में ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके घर पर पुदीना पत्ता अवेलेबल है तो आप पुदीना का पत्ता भी ले सकते हो। इसके बाद इमली वाटर मैं ऐड कर दूंगी। Then I'm going to add 2 cup of water और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास कोरिएंडर लीव, पुदीना लीव कुछ भी नहीं है, आप इमली के वाटर के साथ 2 कप वाटर मिक्स कीजिए और उसमें ऐड कीजिए आमचूर पाउडर। इट विल वर्क परफेक्ट। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon ऑफ जीरा पाउडर, 1 tablespoon ऑफ धनिया पाउडर एंड इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर सॉल्ट आपको टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है क्योंकि आमचूर पाउडर में बहुत सारा सॉल्टीनेस होता है ऑलरेडी। इसे मिक्स करने के बाद और 1 कप वाटर ऐड कर दूंगी और इसमें अभी मैं ऐड करूंगी जो कटा हुआ नींबू था वो नींबू। गोंधराज नींबू जो होता है इसमें जूस बहुत ही कम होता है, इसका जो फ्रेग्रेंस है वही काम करता है। तो मैं इस नींबू को वाटर में ऐसे डाल दूंगी। अगर आपके पास नॉर्मल नींबू है तो आप इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए और आप नींबू को ऐसे डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो फॉर बेटर फ्रेग्रेंस। अगर आपको पानी पूरी का पानी ठंडा पसंद है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, अदरवाइज इसको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दीजिए। अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे आलू को। फॉर द आलू यू नीड बॉइल्ड पोटैटोज। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा सा आलू ले लिया है और ये काफी है फॉर 5 to 6 पीपल। इसे मैं ऐसे पील कर लूंगी। और अभी इस पोटैटो को हमें अभी इसे हम लोग कट करेंगे विद अ राउंड शेप कटर। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर यूज कीजिए। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है डोंट वरी, आप कोई भी ऐसे ढक्कन को यूज कर सकते हो टू कट योर फुचका / पूरीज। एंड देन आपको एक कढ़ाई में तेल लेना है, पूरीज को आपको डीप फ्राई करना है। तेल जो है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में लेना है और एक बड़ा सा कढ़ाई में ही इसको बनाइए, तभी
पानी पूरी अच्छे से पॉप होगा फ्राई करते वक्त। मैं इसमें ऐड करूंगी एक फुचका आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे आपको इसे फ्राई करना है। आपको इसे ऐड करना है और आपके स्पैचुला के साथ इसको दबाते रहना है तेल के अंदर। जब ये पॉप हो जाए आपको इसको पलट देना है। नॉर्मल पूरी जो हम लोग बनाते हैं वैसे ही सेम टेक्निक में आपको इसे फ्राई करना है। देखिए मैंने यहाँ पर और एक दिखा दिया आपको सिंगल वाला फुचका। और आपको इसे ज्यादा लाल नहीं बनाना है, इसको आप गोल्डन ब्राउन बनाइए और इसे बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि लाल हो जाने से फुचका का टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे ही आपको इसको बनाना है मीडियम आंच पे, हाई फ्लेम पर मत बनाइए तो ये अच्छे से कुक नहीं होगा और लाल हो जाएगा। आपको इसे गोल्डन ब्राउन बनाना है। एंड देखिए यहाँ पर हमारा फुचका बिल्कुल तैयार है, गोल्डन ब्राउन हो गया है एंड इट्स लवली। आवर पूरीज यानी कि फुचकास आर रेडी। यहाँ पर देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। इसका ऊपर का लेयर जो है वो थोड़ा सा पतला है और बिल्कुल क्रंची है। ये दुकान के फुचका या फिर पूरी की तरह ही क्रैक हो रहा है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है तो आप विद इन 1.5 आवर्स इसे प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कैसे आपको इसे एक्चुअली प्रिपेयर करना है। आपको लेना है एक पूरी यानी कि फुचका, इसमें ऐड करना है आलू और इसे डंक करना है पानी में। और ये देखिए फुचका यानी कि पानी पूरी इज रेडी। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस ट्यूटोरियल एंड इस लॉकडाउन पीरियड में जरूर इसे घर पे बनाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप इस रेसिपी को घर पे बना रहे हो पिक्चर्स मेरे साथ जरूर शेयर करना ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी लाइक दिस वीडियो If you like this recipe. Bye guys, take care, stay home.